आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से गिटहब के ऊपर अपनी रिपॉजिटरी को क्रिएट करके विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स को पुश आउट कर सकते हैं। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपके पास गिटहब का एक अदर अकाउंट होना चाहिए एंड गिट डेस्कटॉप आपके पास लास्टली डाउनलोड होना चाहिए। ये दो चीजें अगर आपके पास होंगी तो इट इज द मोस्ट इजिएस्ट मेथड कि आप किसी भी प्रोग्राम को आसानी से गिटहब के ऊपर पुश कर पा सकते हैं। मेन टॉपिक की बात करते हैं, यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यू कैन इजीली सी आपके पास फोर्थ ऑप्शन है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, तो इसको ओपन अप कर लीजिए। अगर आप जो है यहाँ पर गिट बैश एंड गिट की इंस्टॉलेशन एंड अकाउंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं तो आई बटन पर वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, मेक श्योर कीजिए कि उसे लास्ट में चेक कीजिए। किसी भी प्रोग्राम को अगर आपने गिटहब के ऊपर पुश कराना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक अदर न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट करनी होगी। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं सिंपल करेंसी कन्वर्टर प्रोवाइड आउट कर रही हूँ एंड देन आपने इसकी एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड आउट कर देनी है। तो दोनों चीजों को प्रोवाइड आउट करने के बाद आपने यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपकी रिपॉजिटरी पब्लिक रहने वाली है या फिर प्राइवेट रहने वाली है, तो मैं इसको सिंपल पब्लिक रखूंगी। देन आपने अपनी रिपॉजिटरी के लिए रीजन फाइल को एड आउट करना है, तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से एड करना चाहें तो कर दीजिए। मैं हमेशा विजुअल स्टूडियो कोड से प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को चेक मार्क नहीं करूंगी। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट रिपॉजिटरी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यू कैन इजीली सी कि आपकी रिपॉजिटरी यहाँ पर क्रिएट आउट हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आपको URL स्टार्टअप में दिख रहा होगा, राइट क्लिक कीजिए, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपने अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन अप करना है। तो दिस इज माय करेंसी कन्वर्टर प्रोग्राम ओवर हियर एंड मेरे पास चारों फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें name.ts, packages.json, readme एंड ts.config फाइल अवेलेबल है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, चेकआउट कीजिए कि आपका अकाउंट गिटहब से रिलेटेड लॉग इन है या नहीं। तो आपका अकाउंट यहाँ से सबसे पहले लॉग इन होना चाहिए, मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉग इन है। हम सिंपल इसको पुश आउट करेंगे, जिसके लिए हम सोर्स कंट्रोल के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन हैं जिसमें से हम इनिशियलाइज रिपॉजिटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं जैसे इसे इनिशियलाइजेशन करूंगी, यू कैन इजीली सी के चारों फाइल्स के आगे यू लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे यहाँ से इसको कॉमेंट करना है, उससे पहले मुझे एक अलग मैसेज देना है जिसके अंदर मैं सिंपल करेंसी कन्वर्टर लिख दूंगी। करेंसी कन्वर्टर लिखने के बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क लिख कीजिए, यहाँ से यस के बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये हमारे पास यहाँ पर पुश होना शुरू हो जाएगा। देन आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे फुल पुश का ऑप्शन दिखेगा, तो आपने पुश टू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये पूछेगा योर रिपॉजिटरी हैज नो रिमोट कॉन्फिगरेशन टू पोर्ट, तो आपने यहाँ से एड रिमोट के बटन पे क्लिक करना है। एंड देन जो हमने URL कॉपी किया था, आप उसको सिंपल यहाँ पर पेस्ट आउट कर दीजिए। जैसे मैंने इसको पुश आउट किया, आप देखो यहाँ पे मुझसे एड रिमूव भी पूछा, अदरवाइज डायरेक्ट भी ले लेगा। तो अगर आप एड तो यहाँ से इसको अलाउ कर सकते हैं हम, एंड अलाउ करने के बाद ये यहाँ पर मेरी जितनी भी रिपॉजिटरीज क्रिएट होंगी उनको ले आएगा। तो मुझे यहाँ से करेंसी कन्वर्टर की रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है, तो मैं इसको सिंपल क्रिएट कर दूंगी। सिंपल क्रिएट आउट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारे पास पुश आउट हो जाएगा। तो हम सिंपल पब्लिश मैच के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखो ये जो है इसको जो है क्या कहते हैं पब्लिश करवा देगा मेरी रिपॉजिटरी को। तो इसने मेरी रिपॉजिटरी को पब्लिश करा दिया यहाँ पर ब्रांच के अंदर। सो नाउ यू कैन इजीली सी कि जो मेरा ऑल ऑफ द प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली पब्लिश हो गई है। ओपन ऑन गिटहब कह रहा है, तो हम यहाँ से क्लिक कर ओपन अप भी कर लेते हैं। यू कैन इजीली सी के चारों फाइल्स जो थी वो विद इन अ फ्यू मिनट्स यहाँ पर अपलोड हो गई। तो आप इस तरीके से आसानी से विद इन अ सिंगल जो है वो अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को गिटहब के ऊपर अपलोड कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली अपलोड करना चाहो तो इट इज ऑल्सो एन इजी मैथड टू कंटिन्यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए कंप्लीटली फ्री, और साथ में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए मुझे इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।